महिला के साथ सुबह चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। इसमें धारा 392 IPC की FIR पंजीकृत कर अनावरण के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम गठित की गई थी। आज इस घटना का अनावरण करते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली व उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त व 25,000 के इनामी अपराधी सुमित उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से लूटी गई 2 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असला बरामद किया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा अन्य कई घटनाएं कारित करने की बात बताई गई है। इसके बारे में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। विवेचना के दौरान इसको शरण देने वाले व इसकी मदद करने वालों की भूमिका की भी गहनता से जाँच की जाएगी और समस्त ऐसे व्यक्ति जो इसको या तो शरण दे रहे थे या इसकी मदद कर रहे थे उनके साथ साथ इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई विधिनुसार की जाएगी। SHO कोतवाली को इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की जाएगी।